उतरो ना, उतरो उतरो, पता क्या, आ जाओ उतर जाओ, मेरे को ठंड लग रही है, ठंड ठंड छोड़ो मत ना, उतरो, मेरे को ठंड लग रही है। तो गाइस अभी मैं हूँ गुलडंडा में और स्नोफॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक लोग को छोड़ के माही अभी एंजॉय नहीं कर रही है, थोड़ा सा रोड गई थी, अच्छा लग रहा है, फिलहाल निकलते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस मैं अपने कैंपिंग का हथियार निकाल चुका हूँ, जो ना बर्फ में और कैंपिंग में बहुत ज्यादा जरूरी चीज होता है। गाइस व्हाट्सएप अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब, उम्मीद करते हैं सब खैरियत आफियत से होंगे। आज का है भद्रवाह में हमारा पांचवा दिन और इतने दिनों में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आज ना ऊपर पहाड़ी पे जहाँ हम गए थे गुलडंडा और छत्रगला, वहाँ पे बर्फ़ हो रही है। आज सब लोग डिसाइड किए कि हम यहाँ से वापस छत्रगला और गुलडंडा जाएँ, वहाँ पर लाइव स्नोफॉल का एंजॉय करें। और अभी हमने चाय का सामान साथ चलाया है, दूध गिलास और एक छोटा सा एक पतीला, और साथ में अभी यहाँ का व्यू कुछ ऐसा, और मेरा ये जैकेट है, अभी मैं जैकेट भी लूँगा, और शूज़ मैंने सैम पहने हैं कल वाले। तो अभी आमिर भाई आ रहे हैं और ख्वाहिश अंदर हैं, ये भी आ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो दो लोग हमारे चले गए, ये देख सकते हो राहुल भाई, ख्वाहिश माही कहाँ गई, माही इधर है, माही और राहुल भाई जा रहे हैं। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अभी बर्फ़ हो रही है ऊपर गुलडंडा में, तो हम रेडी हो चुके हैं और रेडी होके अभी एनर्जी हमारे में फुल दौड़ रही है क्योंकि आज बर्फ़ हो रही है, यहाँ पे तो धूप आ गई है लेकिन ऊपर छत्रगला और गुलडंडा में बर्फ़ है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हाँ ये पकड़ लो, मैं अच्छे से डालती हूँ। अभी ना हम आ चुके हैं भद्रवाह से ऊपर गुलडंडा की साइड, और यहाँ आके ना एकदम से थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और पहाड़ी पे ना एकदम से जो ओ माय गॉड फ्रेश स्नो, ये देखो रात को स्नो हुआ है, ओ माय गॉड, देखो ये अभी हुआ है सुबह के टाइम स्नो हुआ है, और देख सकते हो कितना प्यारा स्नो दिख रहा है, और इस तरफ से भी देखो रोड की कंडीशन भी कुछ ऐसा है दिख रहा है, वो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, एकदम से प्यारा व्यू दिख रहा है, यहाँ देख सकते हो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश है। आमिर भाई खुश हो क्या? एक्साइटमेंट ओवरलोडेड, लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं कर, 25 दिन से हम लोग वही ढूंढ रहे, यहाँ से वहाँ सेथन मनाली कहाँ कहाँ नहीं गए, अब जाके यहाँ पे उम्मीद लग रही है कि स्नोफॉल होगा। तो गाइस मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारा जो प्लान था वो था 1 जैन को आने का, यही था ना, यही था, फिर डिले होते होते स्नोफॉल ना होने के चक्कर में डिले होते होते कितना पहुंच गया, आज क्या तारीख है, 25 दिन है, 25 दिन ऐसे हम आगे पीछे घूम घूम के फाइनली 25 दिन का जो वेट है वो खत्म हो गया। 25 दिन कहाँ नहीं भटके हम लोग, मनाली गए, सेथन गए, अभी तक वो ऊपर देखो, ओ माय गॉड, वो में पहुंचे हैं, यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा स्नो हुआ है रात को, और अभी ना कितने ज्यादा टूरिस्ट लोग आए हैं यहाँ पे, और नीचे का व्यू देखो कुछ ऐसा है, और पीछे का देखो इस तरफ से कैसा है, और सारे लोग अभी ना यहाँ पे मैगी वगैरह का एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पे, और सारे लोग ना स्नो का एंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा स्नो पड़ रहा है। तो अब हम ऊपर जाएंगे यहाँ से भी ऊपर छत्रगला, और वहाँ पे देखते हैं वहाँ का व्यू, वहाँ का स्नो देखते हैं कैसा क्या होगा, और देखो थोड़ा थोड़ा स्नो पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है स्नो, ये देखो ये जो आपको कॉटन के थोड़े थोड़े रेशे से दिख रहे हैं ये स्नो है, ओ माय गॉड, वो पीछे देखो कितना प्यारा सा व्यू है, ओ माय गॉड, वो देखो पीछे कितना, ओ माय गॉड, कितना बर्फ हुआ है सुबह सुबह, देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, देखो। तो फाइनली गाइस 25 दिन का इंतजार करने के बाद फाइनली हमें स्नो मिल गया है, वो भी भद्रवाह में, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा खुश है हम के 25 दिन का इतना इंतजार करने के बाद स्नो, और हमारे दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ और आपको दिखाऊंगा। आमिर भाई कैसा मजा आ रहा है? बहुत, तो देख सकते हो अभी सारे लोग एक्साइटेड है और कुछ लोग यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं और स्नो का नजारा लेते हुए, और ये पहाड़ी पे एकदम से 2-2 फीट का स्नो भद्रवाह में, ये देखो,
ये बउआ पगला ऐसे मत करो आमिर भाई कितना मस्त है ना, ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। कैसा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कितने दिन का इंतजार किया, फाइनली तो गाइस देख सकते हो सारे लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। राहुल भाई, माही और ख्वाहिश और आमिर भाई बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इनका पहला एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का ये लाइव स्नोफॉल का, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे भी और बाकी लोगों को भी अच्छा लग रहा है। और देखो आमिर भाई अभी को शूट करवा रहे और काफ़ी अच्छा है यार, और बहुत मज़ा आ रहा है। और देख सकते हो लाइव स्नोफॉल, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। देखो ये कॉटन टाइप्स के कुछ रेशे से आ रहे और ये छोटी छोटी स्नोफॉल हो रही है अभी और हल्की में हो रही है, देख सकते हो। ये रोड पूरा बंद है और ऊपर से गाड़ी आई थी वो पूरा स्किट मारी थी, वो स्कॉर्पियो थी, तो हम ऊपर जा नहीं पाएंगे इसलिए हमें यहीं पे इंजॉय करना होगा स्नो, और फिर हम पैदल जाएंगे ऊपर, ऊपर जाके कैंपिंग या कुछ मैकी वैकी बनाएंगे, काफ़ी अच्छा दिखेगा और अच्छा लगेगा। सर है बर्फ बहुत है, ऊपर ज़्यादा स्नो है, इतना ही है बर्फ, बर्फ ये स्नो हो रहा है, मज़ा आ रहा है। कितना मज़ा आ रहा है सर, बहुत मज़ा है, मज़ा आ रहा है। आप कहाँ से आए सर? कलकत्ता से। एंजॉय करो भदरवा की ब्यूटी को। भदरवा 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 कैसा है? बहुत अच्छा जगह है भदरवा, घूमने के लिए आना पड़ेगा, आना चाहिए। बढ़िया, गुलमर्ग फेल है भदरवा के आगे। ओ माय गॉड, ये क्या बता गए सर, ये कलकत्ता से आए। तो गाइस अभी हम गुलडंडा में आए थे, ये सब भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं और इस तरफ से कुछ भाई लोग आए। आप कहाँ से आए? दिल्ली से आए। ओहो कैसा मजा आ रहा है, बढ़िया। ये देखो छोटू भी आए। हेलो, कैसा मजा आ रहा है, क्या नाम है आपका? देखो प्यारा सा बच्चा एक आया है, एंजॉय कर रहा है स्नोफॉल। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, मजा आ रहा है आपको भी? अच्छा। मजा फुल एंजॉय। आप कहाँ तक गए थे? ऊपर ऊपर तक चल के गए, देख सकते हो कितना एंजॉय कर रहे हैं सारे आके। तो जो जो आना चाहता है यहाँ आओ भदरवा गुलडंडा और एंजॉय करो। आपका क्या नाम? सपना। सपना आपका? गौरव। और आपका? दीक्षा। आपका आपने बोला भी पहले नाम, आपका भाई आप वहाँ आए थे, कटरा आए थे क्या? हाँ जी। कटरा से यहाँ आए थे। यहाँ का किसने बताया आपको भदरवा चलो वहाँ बर्फ है? होटल वाले ने रेकमेंड किया आपको? तो उन्होंने क्या बोला भदरवा जाओ? अच्छा लगा आके? क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा था। लोगों से क्या कहना चाहोगे? आओ भदरवा, नहीं आओ एंजॉय कर रहे भदरवा, मजा फुल मजा आएगा। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके। तो गाइस हमने घर से ये लाया था कैंपिंग का जो होता है हथियार, तो अभी हम यहाँ पे ठंडा बहुत है तो इसलिए सबको ठंड लग रहा है, तो मैं लकड़ी काटूंगा इससे और उसमें हम आग चलाएंगे और मैगी बनाएंगे और उसके बाद चाय भी बनाएंगे, एंजॉय करेंगे स्नोफॉल। आपको कैसा लग रहा है आमिर से पूछो? काफ़ी मज़ा आ रहा है, पूरा यहाँ पर प्योर स्नो है और आपको दिख भी रहा होगा स्किन पे ऊपर से गिर रहा है, तो ये जो लाइव स्नोफॉल देखने का एक्सपीरियंस होता है वो एकदम ही अलग होता है, क्योंकि हम लोग बॉम्बे के रहने वाले, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी यूनिक चीज़ है। तो फाइनली गाइज मैं अपने कैंपिंग का हथियार निकाल चुका हूँ जो ना बर्फ में और कैंपिंग पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। ख्वाहिश और आमिर भाई आ रहे हैं पैदल, माही और राहुल भाई आगे चला गए, और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। अब ऊपर जाएंगे छतरगला, छतरगला में मैं भी इससे ज़्यादा स्नोफॉल हूँ, आराम से आराम से। तो देख सकते हो कितने सारे लोग आए हैं, सारे इंजॉय कर रहे हैं, हम भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हेलो हाय, कहाँ से आए आप? लखनऊ से। वेलकम टू, ओ माय गॉड, वेलकम टू भदरवा। तो अभी ना ये लखनऊ से आए थे हमारे दोस्त, हमारे मेहमान, तो ये सब इंजॉय करके वापस जा रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे छतरगला और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस देख सकते हो हमारे शीशे पे एकदम से ना पूरा बर्फ़ जमा हो गया है, और इस तरफ से दिखाऊंगा मैं आपको, और एकदम से ना कितना प्यारा प्यारा स्नोफॉल हो रहा है और थोड़ा सा मोटा हो गया, पहले ये ना एकदम से बारीक बारीक स्नोफॉल हो रहा था। आई तो एकदम से बिल्कुल फेस से ओके लग रही है, लेकिन फिर भी बोल रही है बुखार है बुखार है बुखार है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो थी वो माही थी, रात को बोरी थी, सुबह जब मैंने बोला स्नोफॉल हो रहा है एकदम से बिस्तर से उठ के उछल के विंडो की तरफ दौड़ी, लेकिन इधर आके बोरी है नहीं बाहर का व्यू नहीं, इंजॉय करेंगे ये देखो।
तो गाइस देख सकते हो छतरगला यहाँ से है 6 किलोमीटर दूर, और अभी हम हैं गुलडंडा के थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे लोग ना काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे सारे डांस वगैरह कर जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और इस तरफ से छतरगला का रास्ता है, और हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी है, और हम गाड़ी को आगे लाएंगे, तो आगे जाके उस तरह जाके ना वहाँ पे रुकेंगे और थोड़ा सा कैंपिंग करेंगे या मैगी वगैरह बनाएंगे। तो गाइज गुलडंडा से थोड़ा आगे आओगे आपको ऐसा एक स्पॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक मैगी का स्टॉल है, छोटा सा प्यारा सा स्टॉल है, देख सकते हो यार एकदम से अंदर टेम्परेचर ना मुझे लगता है 25 के आसपास होगा, और बाहर का टेम्परेचर माइनस में जा रहा है। और सारे भाई लोग कहाँ से आए भाई आप? दिल्ली, दिल्ली से। वेलकम टू भदरवा, कैसा लगा आगे? बढ़िया, चाय? ओहो सर ने चाय बनाई होगी। और मैं, आप गुजरात से आ रहे हैं? अच्छा वापिस से, कैसा लग रहा है आगे? मजा आ रहा है यहाँ आने का? किसने आपको बताया भदरवा जाओ या भदरवा चलो घूमने चलते हैं? खुद ही आए या किसी ने रिकमेंड किया? खुद आए? स्कूल स्कूल स्कूल। तो देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा मैगी का स्टॉल है, मैगी बन रही है, पहाड़ों का और मैगी का कॉम्बिनेशन एकदम से ना क्या बताऊं, हेयर रांझे की तरह है। और इस तरफ से देखो कितना ज्यादा स्नो है, और इस तरफ से आमिर भाई लगे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे अभी डांस वगैरह कर रहे हैं। तो गाइस अभी ऐसा मजा आ रहा है यहाँ पे आके ना, लाइव स्नोफॉल चल रहा है काफी अच्छा, और सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारे लोग कुछ रूठ गए थे, और देखो यहाँ पे कितना एंजॉय हो रहा है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया। देखो ओहो हो हो ओहो हो ओहो हो, सर आपकी वीडियो हम बनाते हैं। हाँ देखो तो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा लग गया है, तो यहाँ पे इन्होंने आग जलाया है भाई ने, और यहाँ पे खाना भी बन रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग अंदर बैठे हैं, तो आप थोड़ा सा आग सीखेंगे। और यहाँ पे इतना बर्फ़ हो रहा है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और साथ में ये आग का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, और इस तरफ से लोग इन्जॉय। गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और गाड़ी इतनी ज़्यादा स्किड हो रही है ना कि क्या ही बताएं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ़ है, और टायर जैसे पड़ रहा है चारों टायर इधर पे स्किड हो रहे हैं, ब्रेक नहीं मार सकते, इसके लिए दो गियर पे डाल के इधर से चला रहे राहुल भाई। और यहाँ का फ्लैश जैसे ही बर्फ पे पड़ रहा है ना, पूरा एकदम क्रिस्टल जैसे चमक रहा है वो। और अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट सबके फोन में चार्जिंग खत्म हो गया, ख्वाहिश का भी, जिससे अभी मैं शूट कर रहा हूँ ख्वाहिश का फोन है, मेरा फोन तो डेड पड़ा हुआ है, और ख्वाहिश के मोबाइल में भी 3 या 4% समथिंग चार्जिंग है, इसका भी स्विच ऑफ होने वाला है। तो फिलहाल डायरेक्ट घर पे पहुंचते एंड वहां पे जाके वीडियो को एंड करते हैं।